हेलो एवरीवन दोस्तों, आप सभी ने देखा होगा कि आरआरबी 7 की जो ज्वाइनिंग है वो रुकी हुई थी। ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि विवेक किशोर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये सुप्रीम कोर्ट में एक केस जो है पेंडिंग था। तो इस केस का मैं डायरी नंबर आपको बताऊंगा, 2844 था, और इसके ऊपर 1 जुलाई को जो है प्रोसेस स्टार्ट होना था, और उसमें ही ये जो केस है पहली बार में ही डिसमिस हो गया। ओके, तो यहाँ पर मैं आपको लाइव स्टेटस चेक करके दिखा दे रहा हूँ। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का पोर्टल है, 2844 डायरी नंबर से आप भी इसको चेक कर सकते हो। ये जो केस है लगभग जनवरी में आया था इसी साल, और यहाँ पर मैं आपको इसका स्टेटस दिखा रहा हूँ। ये डिस्पोज्ड है और साथ में ये डिसमिस्ड हो चुका है। ओके, जो स्टेटस है अभी के टाइम पर ये है डिसमिस्ड, और फर्दर जो है रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो आने वाले दिनों में देखने को मिल जाएगा। जो भी बैंक की ओर से न्यूज़ है वो आप सभी के पास आ जाएगी। अभी अगर हम बात करें कि जो इसमें पिटिशनर है वो लगभग 11 लोग थे। ओके, तो 11 लोग पिटिशनर थे और रिस्पॉन्डेंट था यूनियन ऑफ इंडिया, और इसका जो स्टेटस है ये 1 जुलाई को ये पेंडिंग था और 1 जुलाई को देखने को ये मिला है। तो फाइनली उन सभी के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन यार। अब आने वाले दिनों में जो वैकेंसी है वो तो आप लोगों की फुलफिल हो ही जाएगी, और जो आरआरबी हमारा चल रहा है वो प्रोसेस भी आगे चलता रहेगा। ठीक है, तो आने वाले दिनों में हम और भी कुछ देखेंगे, और ये श्योर हो चुका है कि इस केस का स्टेटस जो है डिस्पोज्ड है, डिसमिस्ड है मोशन हियरिंग के दौरान। तो इसमें कोई प्रॉब्लम अब आने वाले दिनों में नहीं होगी। आप सभी के जो फर्दर प्रोसेस हैं बैंक की ओर से वो आपके पास ईमेल के थ्रू आ जाएंगे, और जो करंट रिक्रूटमेंट चल रहा है रीजनल रूरल बैंक का वो आपको एज इट इज देखने को मिलेगा। ओके, तो हमारी प्रॉपरली क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी हैं, आप लोग जाएँ और इस यूट्यूब चैनल पर क्लासेस को देख सकते हैं, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस तरीके के अपडेट्स जो है वो आप सभी के पास आते रहेंगे। तो मिलेंगे अगली वीडियो में। वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में।